Fast. तो कैसे हो दोस्तों, स्क्रिप्ट मेकिंग ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ वेरिएबल्स को कैसे आप यूज करेंगे अपने स्क्रिप्ट में प्रैक्टिकली करके। पिछली पार्ट में मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था, और इस प्रैक्टिकल के बाद वेरिएबल्स टॉपिक खत्म ऐसा मत सोचना। अभी बहुत है वेरिएबल्स के बारे में आपको बताना, वेरिएबल्स के टाइप्स बताने हैं मेरे को, वेरिएबल्स और किस तरीके से यूज कर सकते हो आप, इनका क्या क्या बेनिफिट्स है वो सब आपको बताना है। क्योंकि आपको मैं नहीं चाहता से ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दूँ, मैं यहाँ ओवरव्यू नहीं पूरा बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या क्या करा है मैंने इस स्क्रिप्ट में। इस स्क्रिप्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें इको से रिलेटेड और वेरिएबल से रिलेटेड, कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है, कैसे यूज़ करना है स्क्रिप्ट में, किन बातों का ध्यान रखना है आपको स्क्रिप्ट बनाते हुए इनको यूज़ करने से पहले। सबसे पहले तो सी बैंक की वाली लाइन तो फिक्स है, वो बताने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूँ आपको। नाउ सेकेंड लाइन में कोई कुछ लिखा ही नहीं मैंने, थर्ड लाइन में लिखा है इको। इको के बाद ध्यान देने वाली बात है ये तीसरी लाइन और चौथी लाइन में आपको, सॉरी फिफ्थ लाइन में, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। हेलो वर्ल्ड और बाय वर्ल्ड को छोड़ के इको दोनों में है, डबल क्वार्ट दोनों में है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ दोनों में डिफरेंस है। इको के बाद यहाँ स्पेस दे रखा है मैंने, और इको के बाद यहाँ स्पेस नहीं है, तो दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज वैलिड। आपको इको का यूज करते समय ध्यान देना है इको और ओपन, यहाँ पे डबल क्वार्ट जो मैंने यूज करा है, इन दोनों के बीच स्पेस हो। अगर आप इको के बाद डायरेक्ट डबल क्वार्ट का यूज करेंगे बिना स्पेस के, तो आप खुद ही देखना एरर आएगा। मैं आपको डेमो शो करूंगा, इसलिए मैंने जानबूझ के इस गलत को भी लिखा है, तो ये सिंटैक्स रॉन्ग है। कोई बात नहीं, आपको बता दिया मैंने राइट वाला ये है। नाउ नीचे और आते हैं, तो यहाँ पे वार वेरिएबल की शॉर्ट फॉर्म वर यूज करी है मैंने। आप कुछ भी, मैंने आपको बताया वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी से मतलब कुछ भी, इसमें भी रूल्स हैं कुछ भी का यूज। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, इनमें रूल सेट है कि वेरिएबल्स का नाम किन सिचुएशंस में अनवैलिड होगा। मैं आपको बताता हूँ वो सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस ये हैं, लाइक वेर इज इक्वल टू वन, ठीक है ये वैलिड है। आइडेंटिटी वेरिएबल का नाम वार है, नामकरण कर दिया मैंने वेरिएबल का, और वन मैंने आपको बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, मैं बार बार ब्रीफ नहीं करूंगा, आप नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट देख लें अगर आपको नहीं पता। तो ये वन जाके वेर में सेव हो जाएगा, उसके बाद इको स्पेस, उसके बाद मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स, अगर हमें वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है, लाइक उस वेरिएबल के नाम को नहीं, अगर मैं इको वेर लिखूंगा तो सिर्फ प्रिंट होगा वेर। अगर मैं लिखूंगा इको के अंदर या डबल क्वार्ट्स में डॉलर के साथ, देखिए ध्यान देने वाली वाली एक और बात है यहाँ, डॉलर और वैर के बीच नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं देना है। तो डॉलर के संग मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है, यहाँ वन प्रिंट होगा स्क्रीन पे, आप खुद देख लेना। नाउ क्या मैं अंडरस्कोर का यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप। अंडरस्कोर वैर, ये बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट नेम है वैर से, यानी कि जो हमारा सिस्टम है, इंटरप्रिटर है, वो इन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करेगा। यहाँ पे वेर, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वेर के संग अंडरस्कोर भी है, तो दैट्स वाई दिस इज डिफरेंट नेम। तो ये वैलिड है, इसकी वैल्यू टू है, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम डॉलर के संग अंडरस्कोर वेर। ये वेर से पहले जो नीचे निशान लगा रखा है ये वाला दोस्तों, इसे अंडरस्कोर कहते हैं, ठीक है? आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, इसे अंडरस्कोर कहते हैं। नाउ नीचे आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ आपको देखने को मिलता है कि मैंने लिखा है वन वेर इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करा है वन वेर नाम से, जो कि वैलिड नहीं है। मैंने आपको बता दूं ये वैलिड नहीं है, आप कभी भी वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग किसी नंबर से नहीं कर सकते, किसी भी इंटीजर वैल्यू से नहीं कर सकते। ये 1 2 3, 1.3, 1.4, फ्लोट वैल्यू भी नहीं, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए वेरिएबल्स के नाम की स्टार्टिंग में। अगर आपको नंबर यूज़ करना है तो वेरिएबल्स के बीच में कर सकते हैं, वेरिएबल के नाम के कहीं बीच में या बाद में, कहीं भी स्टार्टिंग नहीं करनी है बस। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इको भी कर रखा है, वो आपको पता चल जाएगा, थ्री प्रिंट हुआ तो वैलिड है, एक्चुअली ये नॉन वैलिड है, लेकिन आपको डेमो देना है, आपको दिखाना है कि एरर आएगा। यहाँ वेर वन इज इक्वल टू फोर, ये वैलिड है, मैं वेर के बाद वन यूज कर सकता हूँ, इको वेर की वैल्यू, ठीक है। नाउ अगर आप चाहते हैं अपने नाम से कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, ऐसे ही टाइम पास के लिए कोई चाहता है, तो क्या अगर उसका नाम वेर शर्मा है, लाइक सपोज दैट मेरा नाम वेर शर्मा है, मैं चाहता हूँ मैं अपने नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूँ ऐसे ही, तो क्या मैं वेर शर्मा ऐसे ही डायरेक्ट लिख दूंगा, वैर स्पेस शर्मा जैसे मैं नाम लिखता हूँ? नहीं, मुझे उस वैर और शर्मा को जोड़ना है, जोड़ने के लिए अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ेगा, अंडरस्कोर एक ब्रिज की तरह काम करेगा।
यहाँ देख सकते हैं हम, वेर के बाद मैंने शर्मा तो लिखा है, बीच में अंडरस्कोर है, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स के नाम में कोई भी खाली स्पेस नहीं होना चाहिए, वरना वो वैलिड नहीं होगा, वरना होगा कुछ नहीं, वो स्पेस के बाद वाला ही, स्पेस के जो बाद वाला आपने लिखा होगा, इंटरप्रेटर उसे रीड करेगा, उससे पहले वाले पे एरर दे देगा। तो यहाँ वेर शर्मा को मुझे जोड़ना पड़ा ताकि एक पूरा एक नाम लगे, इंटरप्रेटर इसे पूरी एक नाम समझे, ये नहीं कि वेर को अलग और शर्मा को अलग, स्पेस नहीं होना चाहिए वेरिएबल्स के नाम के बीच में। एक और बात क्लियर कर दी, अब मैंने इसे भी इको कर दिया, अब इसे करता हूँ मैं सेव और जाता हूँ टर्मक्स में, क्विट सेव चेंजेस टू स्क्रिप्ट, मैंने पहले से ही सेव कर रखी है, अब सेव करना मत पूछना कैसे करते हैं, ये आपको पिछले प्रीवियस पार्ट में बताया था जब मैंने आपको बताया था कि बैश एडिटर कौन सा है, ड्रॉइड विम। देखिए ड्रॉइड विम क्यों मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है विम की, विम एक पॉपुलर एडिटर है लाइनक्स का, तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ लिनक्स से जितना जुड़ा हो सकूँ जुड़ जाऊँ। यार देखो आपको जितना एडवांस लेवल पे जाना है आपको लिनक्स को अप्लाई करना पड़ेगा अपने डेली बेस में, डेली यूज में लाना पड़ेगा लिनक्स को, उसकी कमांड्स आपको ऐसे हूबहू याद होनी चाहिए, ठीक है, वो याद कैसे होगी, ऐसी प्रैक्टिस से होती है। ऐसा कभी भागो मत, हर चीज में आप ये मत ढूंढो यार कुछ चीज हैंडी मिल जाए, हैंडी मिल जाए एकदम मस्त चीज मिल जाए, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े, तो उसे जरा इग्नोर करो, थोड़ी मेहनत करो। यहाँ पे ड्रॉइड भी मैं इसलिए यूज करता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ जैसी कमांड्स का यूज करना पड़ता है, इंसर्ट के लिए आई का यूज करना पड़ता है, यहाँ क्विट के लिए यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ता है, यहाँ पे क्विट का ऑप्शन है वैसे, तो यहाँ पे मैं वाई प्रेस करूंगा और क्विट हो जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ टर्मक्स में, ठीक है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं टर्मक्स के अंदर और मैं जाता हूँ एसडी कार्ड में, क्योंकि मेरी जो स्क्रिप्ट है वहीं जाकर सेव हो रखी है, सीडी एसडी कार्ड, या तो आप उस स्क्रिप्ट को यहाँ मूव कर लो, आपकी मर्जी है। बट एक बात ध्यान देने वाली बात है, अगर आप एसडी कार्ड में जाते हो, चलो आज एक नई बात और बता ही देता हूँ, एसडी कार्ड में जाता हूँ मैं, अब एसडी कार्ड में गया, यहाँ मेरी स्क्रिप्ट पड़ी है, एसडी कार्ड ये सपोर्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, मैंने इस नाम से अपनी जो स्क्रिप्ट है सेव करी थी, तो ऑपरेशन नॉट परमिटेड आ गया आपके सामने, सो इट डज नॉट सपोर्ट। और एक चीज और है यहाँ पे, आप कभी भी अपनी स्क्रिप्ट्स को इस तरीके से रन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे दिखा दिया इसने परमिशन डिनाइड, आपको अगर एसडी कार्ड में करनी है स्क्रिप्ट रन तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बैश या बैश की जगह एसएच, बैश का यूज करना है आपको, बैश लैंग्वेज से बना रहे हैं तो बैश और अपनी स्क्रिप्ट का नाम एसडी कार्ड में है तो जहां भी है वहां जाके इस तरीके से रन करना है, और यहां मैं इसे रन करूंगा एंटर। देखिए दोस्तों जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आप खुद देखिए, यहाँ पे सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा था इको हेलो वर्ल्ड, याद नहीं है तो थोड़ा वीडियो को पीछे जाइए, वीडियो को थोड़ा पीछे करें और देखें, वहां पे मैंने पहली लाइन में इको हेलो वर्ल्ड लिखा था, मतलब शी बैंक के बाद, तो हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो गया, उसके बाद मैंने लिखा था बाय वर्ल्ड इको, वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ, वहां लिखा हुआ है, यहाँ देखो आपकी इसने बता दिया कि फिफ्थ लाइन में जो इको बाय वर्ल्ड लिखा हुआ है वो कमांड नॉट फाउंड, मैंने आपको बताया था इको के बाद स्पेस होना चाहिए, नहीं होगा तो कमांड नॉट फाउंड आएगा, वैलिड नहीं है, तो आपको एक बात पता चल गई इको का यूज करते समय क्या बात ध्यान रखनी है। नाउ नीचे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा था वेर नाम से, जिसको वैल्यू दी थी 1 और प्रिंट कराया थी उसकी वैल्यू को, जो कि प्रिंट हो गई 1 लिखा आ रहा है, उसके बाद मैंने 2 लिखा था और वेरिएबल का नाम दिया था मैंने अंडरस्कोर वेयर, तो 2 भी प्रिंट हो गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप अपने वेरिएबल का नाम किसी नंबर डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, और वो ये आपको प्रूफ यहाँ मिल चुका है, यहाँ लिखा है 11वीं लाइन में जो 1 var = 3 मैंने दिया है वो कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि ये इनवैलिड है ना। उसके बाद मैंने 4 जो है मैंने सेव किया था वेयर 1 में, वेयर 1 नाम से जो वेरिएबल बनाया था, मैंने आपको बताया था कि आप बीच में या लास्ट में न्यूमेरिक डिजिट का यूज कर सकते हैं, वेयर के लास्ट में मैंने 1 लिखा है तो वो वैलिड है, इसका प्रूफ है कि 4 प्रिंट हो गया है ना। उसके बाद वेयर शर्मा को जोड़ा था मैंने एक अंडरस्कोर से, उसको वैल्यू दी थी तो और वो नाम भी वैलिड था, तो यहाँ 5 भी सेव हो चुका है, जो वैलिड नहीं था वहाँ कमांड नॉट फाउंड वाले एरर आ चुके हैं। तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज एक लाइक और कमेंट, और कमेंट करना मत छोड़ना, मैं वीडियो डालना नहीं छोड़ूंगा, मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, क्योंकि कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, आपके सजेशन मुझे सजेस्ट करते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी होती है, तो आपको ही तो मुझे रास्ता दिखाना है, ठीक है। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में,
वेरिएबल्स के ही पार्ट आएंगे और अच्छी तरीके से वेरिएबल्स बताऊंगा आपको। वेरिएबल्स होते ही मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से आगे के कंसेप्ट क्लियर करता जाऊंगा। और आपको किसी कंसेप्ट में आपको लगता है डाउट है कि नहीं लोकेश इससे अच्छा और इसे इसे और अच्छे तरीके से क्लियर करके हमारे सामने लाएं, इस वीडियो को रिक्रिएट करें, तो मैं वो भी कर दूंगा ऑन डिमांड। ठीक है, डिमांड होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ऐसा कोई वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो या वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन ना की गई हो तो मैं उसे भी कर दूंगा। एंड एक बात का ध्यान दें, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मैं अभी उठ रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है मैं छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ, अभी मेरा सेटअप बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। मैं अपने सेटअप को डेवलप करना चाहता हूँ, एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। आपको सपोर्ट देना है मुझे, और कोई वो नहीं है कि मैं फोर्स कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आप कर सकते हैं तो 5 रुपीज़ मुझे पेटीएम कर दीजिए। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उसके अंदर आप मुझे 5 रुपये पेटीएम करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा आपके 5 रुपये से। अगर आप 1 रुपया भी देना चाहते हैं, 1 से 5 तक के बीच में कुछ भी कर सकते हैं, मुझे 5 से ऊपर नहीं चाहिए क्योंकि यार मुझे, ठीक है, तो मुझे 5 से ऊपर मत देना, मुझे 5 रुपये काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, तो अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।